हिमाचल, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी जवाब सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा लगता है, ये जानना चाहता है। तो ये जानना चाहता है, ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए, प्लीज पोस्टर, माननीय सदस्य पब्लिक में, सर माननीय सदस्य पोस्टर नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं सर, देखिए आप पोस्ट, बैठिए एक मिनट बैठिए, आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चुकाएंगे, पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है, आप बात करें पोस्टरबाजी नहीं, स्पीकर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर सर तो पोस्टरबाजी उचित नहीं, स्पीकर सर पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है, इस पिक्चर बस कहीं भी मीडिया, चलिए पोस्टर नहीं, प्लीज वो लिख दे दो मुझे, हाँ आगे जस्ट राइट इट नीटली, तो नहीं स्पीकर सर वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसके बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है, उसके उनके उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं, प्लीज प्लीज बताइए, तो वो आप बता देना, सो द रिलेशनशिप बिगिन्स मेनी इयर्स अगो व्हेन नरेंद्र मोदी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, एंड व्हेन मोस्ट ऑफ इंडियाज बिजनेस वॉज asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister, didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat, right? The idea that you bring these businessmen together and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both, and he was the backbone in setting up that group of people, okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat, expansion of his businesses. I think then the real magic starts. Jab Pradhan Mantri Ji Delhi aate hain, aur 2014 mein asli jadu shuru hota hai. मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए. कैसे पहुंचे, मैं आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते, मैं आपको दो तीन इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं.
एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, देयर वाज अ रूल दैट एनीबॉडी हु डज नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ दीज एयरपोर्ट्स। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। अडानी के डिफेंस में आ गए सर। एक फिर, अरे मान सर प्लीज मेरी बात सुनो। तो एक मिनट मेरी बात सुनो, ये एक मिनट बात सुनेंगे। ये संसद है, अपन किस दिशा पर चर्चा कर रहे हैं ये देश देख रहा है। हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करेंगे उचित रहे, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, मेरा मानना ये। तो अपन एक विषय पर ओके। तो आपको तो रूल था, नियम था। हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है ये? एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए। ओके प्लीज प्लीज ओके बोलने दे आपको नेता को। तो बोलने दे आपको नेता। रूल था प्लीज बोलने दे। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया रूल बदला गया रूल को बदला गया सर। बोलने दीजिए, करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। चलिए चलिए आप रूल बदला गया सर, स्पीकर सर। बैठे तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद आफ्टर दैट इंडियाज मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट वॉज टेकन अवे by GVK hijacked by using the agencies को CBI ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट में से निकलता है।
अब ये काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। तो बताइए, बोलिए वित्त मंत्री, विधि मंत्री। और ये जो सर ये हाउस में सर ये बोल रहे हैं, तुम ज्ञान बांट रहे हो, बैठ जाओ। सर ये यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं, ये देश के राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रहे हैं। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करे। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा, अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे, आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे। और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। अब आपने जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, हम भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं, बहुत ऑप्शन है, आप बताइए कहां से शुरू करें। बिजली, डिफेंस, बहुत ऑप्शन है। डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेनर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं, ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल यह काम करती है, हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इसराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मगर एक नहीं मिलता, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है। यहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो चार डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं, ये काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टावर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। सीधा स्ट्रेट इसराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजरायल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा का पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है, खत्म कर।
हाँ उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है, वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई, अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इसराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए एक विजिट। फॉरेन पॉलिसी, ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए अब मैंने आपको इसराइल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, कोयला ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया में अदानी जी जाके क्यों आपको डिबेट करना चाहते थे, आप ही तो डिबेट करना चाहते थे, आपने बोला था कोई भी विषय पे डिबेट हो तो हो गया डिबेट, अब क्यों डर रहे हो डिबेट से, अब क्यों डर रहे हो डिबेट से, क्यों डर रहे हो, जब हमने जेपीसी की मांग की आपने बोला सदन में उठाओ, अब क्यों डर रहे हो, आप चर्चा से क्यों डर रहे हो, चर्चा से डर रहे हो आप। अब सुनना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कैब नंबर बताएं 369 सर, ये क्या 369 सर, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि जीएमआर और जीबी के उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोर्ट करे सर, किस रोल के आधार पर, ये इनको मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूँ कि जीएमआर और जीबीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर, ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एप्लीकेशन प्रधानमंत्री को पर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा राहुल गांधी जी, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हो, आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा, आप ऐसे ही बोल रहे हो कि जीएमआर का जीवे के कसम रूल था, कहा था रूल, कोई रूल नहीं था, आपको यू हैव टू ऑथेंटिकेट और ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा आपको, पहले रखिए और उसके बाद आगे बात करने देंगे, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं सर, बोलने दीजिए, अनाप शनाप आरोप लगा रहे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री जी पे।